बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम मुगलाई चिकन बना रहे हैं, बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल और बड़ी क्विक रेसिपी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। हाफ के जी मैंने बोनलेस चिकन ली है, इसको मैंने छोटी बोटी में काट ली है। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ इसमें, हाफ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून इसके अंदर दही ऐड कर रही हूँ, 4 टीस्पून इसके अंदर मैं पिसी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और हाफ लेमन स्क्वीज कर देंगे। इसको हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे ताकि इसका मसाला अच्छे से इसका अरोमा आ जाए बोटियों में। बहुत मज़े की बनती है, बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है ये। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए मैं 2 टेबल स्पून तकरीबन इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। 1 बड़े साइज़ की प्याज है जो मैंने रफली चॉप कर ली है, ऐड कर रही हूँ इसको। ये हम इसकी प्योरी बनाएंगे, हल्का सा सौते कर लेंगे इसको। आप चाहें तो ऐसे ही ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं। थोड़े से कैश्यू नट लिए थे मैंने, तकरीबन 20 से 25 काजू लिए हैं जिसको मैं ऐड कर रही हूँ। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत स्मूथ ग्रेवी बनती है इससे। ऑयल बहुत कम जाएगा इसके अंदर, अभी मैं 2-3 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर वो चिकन डाल देंगे जो मैरिनेट करके रखी थी। हाफ टी स्पून मैंने पिसी लाल मिर्च, नमक ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने धनिया ऐड करा है, हल्की सी 1 पिंच मैंने हल्दी की ऐड करी है, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं जाएगी इसके अंदर। नमक और मिर्च हम ऑलरेडी इसमें डाल चुके थे तो इसलिए हम इतने ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं। कवर कर देते हैं 2-3 मिनट के लिए ताकि जो है चिकन अच्छे से हो जाए हमारी तैयार। देखिए हमारी चिकन
ढक्कन ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब ये मैंने 100 ग्राम मैंने क्रीम की इसको मैं ऐड कर रही हूँ। क्रीम बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी इसके अंदर। रेसिपी हमारी ऑलमोस्ट डन है। देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, इतनी मज़े की होती है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड में इसमें कसूरी मेथी थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ। क्रीम डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं वरना क्रीम फट जाती है। 1 से 2 मिनट 3 मिनट पका लें, बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं क्योंकि क्रीम जो है वो फिर फट जाती है। ये देखें हमारी मुगलाई चिकन बिल्कुल तैयार है। कितनी ज़बरदस्त सा कलर आया है, इसका टेक्सचर देखें आप कितना ज़बरदस्त आया है, और टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और बहुत मज़े का होता है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी है। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें। इंस्टाग्राम टिकटॉक को भी फॉलो करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।